नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया में। अभी हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार तीन पार्टियों की मदद से बनी हुई है। इस गठबंधन को नाम दिया गया है महाविकास अघाड़ी। इस गठबंधन के अंदर एनसीपी, शिवसेना और भारतीय नेशनल कांग्रेस मिली हुई। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को हराया और तीनों ने ही सरकार बना दी। अभी भी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। अब यहां पर सदन का सदस्य एक तय करने की बात आ रही है, मनोनीत करने की बात सामने आ रही है। इसके लिए सरकार को 6 महीने के अंदर एक सदस्य तय करना होता है और सदस्य बनाना होता है। लेकिन 6 महीने होने को आए हैं और उद्धव सरकार अब गिरने को आई है, क्योंकि अगर 28 मई से पहले पहले कोई भी सदस्य नहीं बना तो ये सरकार गिर जाएगी। इस सरकार में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि जो नाम सबसे आगे है वो उद्धव सरकार के खुद उद्धव ठाकरे का है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का नाम भगत सिंह कोश्यारी जो अभी राज्यपाल है उनके पास भेजा गया है। लेकिन पिछले 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन, 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस नाम को भेजे हुए, लेकिन राज्यपाल की तरफ से वापस कोई भी चिट्ठी, कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। ये साफ जाहिर करता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब संकट में गिर चुकी है और यह संकट उनकी सरकार को गिराने का हो सकता है। और तैयार है एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने को, क्योंकि इन 15 दिनों और ये जो जब से बात शुरू हुई है उन दिनों के बीच में 3 बार उद्धव ठाकरे की सरकार के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो भाजपा की तरफ से, लेकिन अभी वो राज्यपाल है, उनसे जाकर 3 बार मिल चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। ये साफ जाहिर कर रहा है कि बीजेपी का मास्टरमाइंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बीजेपी का द कमल ऑपरेशन शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। और ये साफ जाहिर करता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है और किस प्रकार से बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, सियासी किस्से, सियासत से जुड़ी न्यूज और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कौन सी पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में अच्छी थी या फिर अच्छी है या अच्छी रहेगी। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस खबर को विस्तार से। तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर पाएगी या महाविकास अघाड़ी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में सफल होगी? प्रदेश और मुंबई में कोरोना का कहर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ और ही चल रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वह यही चाह रही होगी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव खारिज कर दे और नया राजनीतिक खेल शुरू हो। दूसरी बार महाविकास अघाड़ी इस कवायद में जुटी है कि वह इस आपात परिस्थिति में ऐसा क्या जुगाड़ करे कि प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल ना बने। जो खबरें मिल रही है उनके मुताबिक राज्यपाल अगर उद्धव ठाकरे के मनोनयन का प्रस्ताव नकार देते हैं तो उसके बाद महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्लान बी तैयार कर लिया गया है। इस प्लान के मुताबिक उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दिलवाकर एकदम सहज तरीके से इन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी जाएगी। ऐसा किए जाने से मंत्रिमंडल बर्खास्त नहीं होगा और स्थिति जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। इस स्थिति में उद्धव ठाकरे को विधायक बनने के लिए फिर से 6 माह का समय मिल जाएगा। यानी इस महाविकास अघाड़ी का मकसद भी साफ है, किसी भी प्रकार से अपनी सरकार को बचाए रखना। उधर देवेंद्र फडणवीस का कार्य शुरू है और कमल ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सियासी बदला हुआ, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। यही खेल अब शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। अगर आपसी गुटबाजी हुई, अगर अंदर ही फूट निकली,
तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के बाद दो और नए नाम निकल के आए और निकल के आ चुके हैं। इन नाम के ऊपर राजनीति बदल सकती है। सियासत का खेल गठबंधन के अंदर हो सकता है और अगर गठबंधन के अंदर हुआ तो गठबंधन टूटना निश्चित ही है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार अभी स्थिर है और उनके पास प्लान ए के बाद प्लान बी भी तैयार है। लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस इतने बेचैन क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात, अशोक चव्हाण और शिवसेना के सांसद संजय राउत सभी ने राजभवन में चलने वाली राजनीति पर सवाल उठाए। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और अनेकों संविधान विशेषज्ञों ने भी मीडिया में आकर इस बात को उठाया है कि उद्धव ठाकरे की नियुक्ति को लेकर इतनी बड़ी पेचीदगी या दुविधा जैसी स्थिति नहीं है और फिर फैसला लेने में देरी क्यों है, क्योंकि जब महाविकास आघाड़ी पूरी सरकार यही चाहती है कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए, फिर भी राजभवन में ये राजनीति क्यों, ये सियासत मोड़ क्यों और साथ ही आखिर राज्यपाल अपना फैसला क्यों नहीं दे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या भाजपा की ये राजनीति है, क्योंकि आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी वही राजनीति के राजनीतिकार है और ये राज्यपाल भी भाजपा के, और भाजपा यहाँ पर पूरा खेल खेलेगी, खेल खेलेगी महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने का और फिर से बीजेपी सरकार एस्टेब्लिश करने का। तो इस प्रकार से खेल चलता रहेगा, आप तक हम खबरें पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।